भीड़ कम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मम्मी, मैं और दीदी हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए, पर अभी हमने ये डिसाइड नहीं करा हम जा कहाँ रहे हैं, हम बस जा रहे हैं जहाँ जगह अच्छी लगेगी, यहीं पर जगह से मॉल चले जाएंगे या कुछ खाने चले जाएंगे। तो चलते हैं फिलहाल, फिर लेट हो जाएंगे अब क्योंकि अभी 12 बज चुके हैं और हमें निकलना है, तो चलते हैं। आज फिर से धूप हो गई, कोई बात नहीं, मॉल में धूप होती नहीं है और देखते हैं फिलहाल कहाँ चलना है। अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं तीनों और जा रहे हैं पहले सीधे लक्ष्मी नगर। हमारा तय मैंने कि हम जा रहे हैं बीथरेस मॉल, थोड़ा वहाँ घूमेंगे, थोड़ा खाएंगे पियेंगे। अभी लक्ष्मी नगर तो आ गए, अभी हम जा रहे हैं शोरूम में। यहाँ पर एक बार ना मेरे को लैपटॉप का पूछना है कि क्या हिसाब किताब है, तो पर वो पूछ लेते हैं यहाँ पर लैपटॉप क्या है, कितने का मिलेगा, कैसा है, चलते हैं वहीं पर। छोटे से बच्चा है ये। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए थी, सब ले ली मैंने। अब चलते हैं यहाँ से मॉल, खाएंगे पियेंगे यहाँ पर। अभी हम मॉल तो आ चुके हैं, अब बाहर ना बहुत गर्मी लग रही है मम्मी को, तो अंदर चलते हैं बस खाएंगे। इससे गर्मी में रहा नहीं जाता। मम्मी को एसी का जो हो गई, अब अमीर हो गई मम्मी है, और मैं बाहर भी नहीं जाती कहीं, घर से बाहर निकलती नहीं मम्मी। दीदी मेरी पीछे पीछे आ रही है मॉडलों की तरह। दीदी अंदर कुछ खाएंगे अब। मम्मी कहाँ है? मम्मी पहुंच गई अपना सामान लेने। हम आए थे यहाँ बर्गर खाने, बंद करते हैं। इनको कुछ लेना नहीं है, ये बोलो वापसी में लेंगे, लेती नहीं। चलो ना कुछ खाते हैं। मम्मी हम जा रहे हैं मैकडी कुछ खाने के लिए, कुछ खाते हैं चल के यार। तो अभी हमने मील ऑर्डर करी है, 3 मील और 2 मैकबक, और हमारा ऑर्डर नंबर है 58। अभी आ जाएगा यहीं पर ही। उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिखता है वीडियो में, 58 है, ठीक है, उल्टा दिख रहा है। तो अभी आ जाएगा हमारा मील और उसमें खाने को मंगाया है, और मम्मी बड़ी खुश हो रही है ना। और तू सीधा नहीं बैठता, बहुत साल के बाद, तकरीबन 3-4 साल के बाद मॉल में आई हूँ। मॉल में खुशी हो रही है? मॉल में, मॉल, मॉल में यार पता कब आए थे हम लोग, हमारी एनिवर्सरी थी ना, पूरी दुनिया में घूमते हैं लेकिन मॉल आना नहीं होता। कोई बात नहीं, आज मम्मी ये पूरे चेंज हो गए ना, मैकडी पूरे चेंज हो गए ना पहले से। हाँ, पहले से काफी चेंज हो गए। अच्छी है तो ये बड़े लग से बोलते। हमारी मील आ चुकी है, मम्मी उधर खा रही है, मैं इधर, दीदी इधर। कैसा लगा? अच्छा था खाना? मैकपफ कैसा लगा? मैकपफ अच्छा नहीं था? ठीक था। मम्मी को आज तक अभी टेस्ट समझ ही नहीं आएगा ना दीदी। मैकडी से तो बाहर आ गए, अब दीदी लिपस्टिक ले रही है अपने लिए। दीदी पसंद कुछ आएगा नहीं देख रहा, लेकिन कुछ नहीं पर देखना है बस, ये कुछ भी नहीं आपको देख रहा है बस। लेना लेने के लिए कर रहे। आया पसंद कुछ? देखा, मुझे पता था आप कुछ नहीं लेने वाले, मुझे पता था आप कुछ नहीं लोगे, बस आप देखना। मेरी माँ मुझे कुछ दिलाएगी। इतने कंजूस, मैं अपने बजट की चीजें देखती हूँ। चाव कितने की थी भाई? 600। अरे बड़ी सस्ती है। कहाँ भाई? ए मम्मी बिल्कुल बच्चों को तो हरकत करता हूँ, कसम से बता रहा हूँ। मम्मी सबसे तो खुश हो रही है आ रहे हैं। तो मैंने दीदी के पे रील्स बनाई थोड़ी, अब आप वो दीदी के इंस्टाग्राम पे देखना, राइटिंग मैं करूँगा उसकी। अब मेरी भी कुछ नहीं, हाँ मेरे एक चैनल है यूट्यूब पे सरांज सोलंकी करके, उसमें मैं रोज़ अपनी शॉर्ट्स डालूंगा, फनी शॉर्ट्स, फनी वीडियोस, तो आप वो भी देखना। हम लोग यहाँ पर रील्स बना रहे। मम्मी पता नहीं कहाँ भाग गई। मम्मी कहाँ है? कहाँ है वो? सामने हो रही। मम्मी आगे चली गई वहाँ पर, सीधा सीधा एकदम, और हम यहाँ ढूंढे जा रहे हैं। चौपलावा खाएंगे। क्या खाएंगे? चौपलावा, इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन। और सामने वाले में से कोई भी आके तुझे डांट सकता है, ये बच्चों को देखो, वाह। पर बिजनेस मॉल के ऊपर ही तो न्यू बन गया पूरा ना, सुंदर सा बन गया। फिर जो ये पूरा खाने का बना हुआ है ना, पहले वो उस साइड था एकदम, अब ये इस तरफ का पूरा नया बना। यहाँ पर KFC आ गया, यहाँ सारे खाने खुल गए और ये सब नया बन गया सारा।
तो मम्मी और दीदी स्नोमो बना रहे हैं, उनका अलग ही रोमांस चल रहा है। इतना स्लो है ये कि मेरे को स्नोमो बनाना ही नहीं पड़ता, मतलब फास्ट करना पड़ता। ओ आंखें भर आ चुकी दीदी कसम से, स्लोमो बना रहे हैं, अलग ही रेटिंग चल रही है ना। ये स्लोमो नहीं है। ओ तेरी क्या हुआ। दीदी को एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है सॉन्ग की, प्रति शर्म आ रही है लोगों से। दीदी दीदी को लोग सुनेंगे सॉन्ग गाते हुए, इतने सारे लोग हैं आसपास, दीदी को शर्म आ रही है। मम्मी मम्मी दूर खड़ी हो गई, तू मत गा। मम्मी नाराज दीदी से, बात भी सुनती ना वो। मान लेगी। बैठो रेडी, ये तो करो, ये तो करता। आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम, वेलकम। आना है जाना है? आना है। हाँ फिर ठीक, आपको आना है, आना है। ये तो यही है हमारे पास ही, आना तो आओ आना जाओ सब। बहुत टाइम बाद साथ में, बहुत टाइम नहीं, तकरीबन 3-4 साल के बाद, 4 साल बाद हम चारों साथ में घूमने आए हैं आज फिलहाल। घूमने क्या, डेट तो ऑफिस से आए फिलहाल, और हम सब अभी आ रखे थे सुबह भी। अच्छा लगता है जब हम पूरी फैमिली साथ में होते हैं, और शायद जो लोग फालतू के लोगों साथ में मज़ा नहीं आता ना, चाहे मेरे दोस्त यार क्यों ना हो, जब भी मज़ा नहीं आता मुझे, पर फैमिली जब होती है ना तब अलग रिलीफ है। ले लिया दीदी ने आइसक्रीम, दीदी से आइसक्रीम खाई नहीं जा रही, लेते क्यों फिर वेस्ट कराने के लिए है। मैं नहीं खाऊंगा, खा लो ना ये लो। मम्मी को अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा लगा? अच्छा नहीं है, आप अपनी आइसक्रीम तो खा लो पहले। बहुत मीठा हो रहा, मीठा हो रहा। बाकी की आइसक्रीम तो खाई नहीं, मुझे खानी पड़ रही है। गिरी 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 कर रही है, बढ़िया तो है। I'd turn it all around if I could, but I'm low inside and low. क्या हुआ? ये जब अपना घर लेंगे ना तो ऐसे डेकोरेशन का सारा सामान लेंगे, वास्तु शास्त्र के हिसाब से अच्छा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल है। मम्मी यहाँ ढूंढ रही कुछ अपने लिए सामान। अरे बेटे की बेटी होगी ना, उसको बिल्कुल प्रिंसेस की तरह फील करा। अभी सारे प्लानिंग करके रख रखी है सबने। मम्मी और दीदी, डैड और दीदी की अलग प्लानिंग चल रही है, मम्मी के अलग। आके मन कर रहा है कि ये भी ले लो वो भी ले लो, भाषा ना मम्मी। इतनी सारी दुकान, इतनी बड़ी शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़ा, पूरा पूरा कोने तक, और मन कर रहा है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। क्या हुआ? देखते हैं जो पसंद आता है। ये टी शर्ट पर लेंगे कुछ नहीं, मुझे इतना पता है, पागल हम बस देख रहे हैं कुछ पसंद आए। हम ऊपर फूड कोर्ट में आ गए, और हमने फूड कोर्ट में क्या मंगाया है, छोले भटूरे मंगाए हैं, और मंगाया है, बोल लूं अब आप बोल लो, क्या मंगाया है? छोले भटूरे मंगवाए हैं, और स्मॉल पिज्जा कौन सा है, डबल चीज डाउनटाउन, जो फूड कोर्ट है पूरा, ये पूरा नया बना है अभी, हम 3 महीने ना फूड कोर्ट को बने हुए, 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से हो चुका है नया, और ये कुछ इस तरीके का है पूरा वहाँ तक, और सामने वहाँ सामने KFC भी है, और ये ऐसा बन गया कुछ, यहाँ आइसक्रीम पार्लर है, बढ़िया है। अब हम खाने का वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाए। क्या हुआ? तो भी हमारे छोले भटूरे और पिज़्ज़ा आ चुका है, हम पिज़्ज़ा खाएंगे दीदी में, और डैडी और मम्मी छोले भटूरे खाओ आराम से, बहुत मारता हूँ पता है मैं। गाइस अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, तो मैं जो भी पिज़्ज़ा वगैरह खाया हमने, तो भी हम डैडी से बैग नहीं ले सकता।
तो अभी हम निकल रहे हैं अपने घर, क्योंकि रात हो चुकी है। और शाम के कितने बज रहे हैं हमें? अभी 7 बजने वाले, 7 बज चुके हैं शायद। अब जा रहे हैं हम सीधा अपने घर पे। चलो तो हम अभी जा रहे थे अपने घर पे, तो मैं बीच में रुक गया यहाँ पार्क में, तो मैं चली गई अपने घर पे। तो अभी मैं थोड़ा ऐसे घूमने के लिए आ गया पार्क को, टहलने के लिए मन कर रहा था मेरा। तो अभी थोड़ी देर पार्क में घूम लिया मैं, और जो मेरे दोस्त खेलते थे ना फुटबॉल पहले यहाँ पर, वो सब भी अपने घर चले गए। मैं भी चल रहा हूँ, घर ही जा रहा हूँ। और आज है ट्यूसडे, तो अभी जाऊँगा अपने घर पर, फिर चलेंगे मंदिर। तो अभी मंदिर तो हुआ है, और पी रहे हैं सोडा, बहुत गर्मी लग रही थी। चल रही सीधा अपने घर पे। तो वैसे अपने घर पे आ गया, और इतनी ज्यादा हम सब घर पे आ चुके हैं। नहीं, सब तो पहले आ गए थे, मैं बाद में आया हूँ। तो बाहर ना तो इतना गंदा भपका हो रहा, पता नहीं यार, मुझे लग रहा है शायद हम लोगों ने इसी की आदत हो गई ना हमें, पर पता नहीं यार, पर बाहर भपका बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर मेरी तो बाहर जाके मॉल के अंदर भी एसी था, फिर भी हालत नहीं। वो एसी ऐसा था ना कि वो स्लो चल रहा था, वो तो हमें पसीने थोड़े थोड़े आ ही रहे थे हल्के हल्के, पर मम्मी को बहुत ज्यादा, मम्मी को बीपी की वो है ना, थोड़ी दिक्कत है थोड़ी सी बीपी की। तो कोई नहीं, अभी फिलहाल थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर अभी खाना वाना बनेगा रात का। डैडी सो रहे हैं और दीदी छेड़ जा रही है। तो गाइस अभी फिलहाल मैं खाना खा रहा हूँ, बहुत रात हो गई है, 12 वैसे बज चुके हैं खाना बनते बनते। तो आज है खाने में दाल चावल, और मैं खाना खाता हूँ पहले, फिर मैं एडिटिंग भी करनी है। तो गाइस फिलहाल मेरी अभी एडिटिंग हो चुकी है, और मैं खाना वाना सब कुछ खा लिया है। तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग का एंड करता हूँ मैं, क्योंकि सोऊंगा और सुबह जल्दी उठना है मुझे। तो हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आई होप आपको वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। जो हमारा फैमिली टाइम होता है ना, वो हमारा क्वालिटी टाइम होता है। फैमिली टाइम कभी नहीं बुलाना चाहिए, ना छोड़ना चाहिए। दोस्त के साथ तो हमेशा घूम लोगे, पर फैमिली के साथ जो टाइम बिताते हैं ना, वो होता है एक तरीके से गोल्डन मोमेंट्स बोलते हैं उसे। तो फिलहाल आई होप यू एंजॉय द ब्लॉग। तो अभी मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहते हैं न्यू ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट। पर लेंगे कुछ नहीं, मुझे इतना पता नहीं था। पागल बेवकूफ, हम बस देख रहे हैं कुछ पसंद आए, कुछ अच्छा लेना नया अंडरवेयर, इंग्लिश में बोलो तो।